बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में गठबंधनों से कई सीटिंग विधायक की टिकट कट गई है। ऐसे में टिकट की आस लगाए बैठे विधायक टिकट नहीं मिलने से पार्टी से नाराज हैं। ताजा मामला बगहा विधानसभा क्षेत्र का है, जहां से मौजूदा बीजेपी विधायक राघव शरण पांडे का टिकट काटकर इस बार बीजेपी जिलाध्यक्ष राम सिंह को दिया गया है, जिसके बाद विधायक आरएस पांडे ने पार्टी आलाकमान के विरोध मोर्चा खोल दिया है और पार्टी के नेताओं पर पूंजीतयों के पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए आंदोलन का रूख अख्तियार कर लिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर विधायक ने वीडियो जारी कर बीजेपी के नेताओं पर पैसा लेकर टिकट काटने का आरोप भी लगाया है। पूर्व नौकरशाह और एस पांडे 2015 में बीजेपी के टिकट पर बगहा से विधायक थे। उनका टिकट काटकर भाजपा के राम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। विधायक ने पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ जनता की अदालत में जाने की घोषणा भी की। इधर बीजेपी की मुसीबत और बढ़ती जा रही है। पुरानी सहयोगी लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान ने बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के अपने फैसले की घोषणा से पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, विशेषकर गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी। उन्होंने अपनी योजना तथा अन्य बातों से अवगत करा दिया था। उन्होंने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, अपितु चुप रहे, कुछ भी नहीं कहा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की यह बात बिल्कुल फिजूल की है कि रामविलास पासवान होते वह अकेले चुनाव नहीं लड़ते। भाजपा नेताओं के दावे पर विपरीत चिराग पासवान ने कहा, उनके पिता हमेशा कहते थे कि अकेले चुनाव लड़ो, इससे पार्टी मजबूत होगी और विस्तार भी होगा। यहाँ ये बता देना जरूरी है कि वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा था कि अगर राम विलास जी होते तो वह नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ते और न ही अकेले लड़ने का फैसला करते। याद रहे कि लोजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब सूरत यह बन गई है कि भागलपुर और रोसड़ा समेत कई सीटों पर उसका मुकाबला भाजपा प्रत्याशियों से भी हो रहा है।